हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। वेलकम टू माय ब्लॉग। दिस इज 90 डेज ऑफ लॉकडाउन, रिपोर्टिंग फ्रॉम वर्सोवा अंधेरी वेस्ट मुंबई। और यहाँ के सीन कुछ ऐसे ही है कि आवाज़ आपको सुनाई देगी बहुत ज़ोर की, तो वेव्स जो है बहुत ज़्यादा है। और सुबह सुबह उठ के मैं आ गया क्योंकि इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। आप देखोगे तो उधर बिल्डिंग जो ना, आसमान एकदम बादलों से भरा हुआ है और मौसम सुबह के 8:30 बज रहे हैं और लाजवाब है, मानसून ने दस्तक दे दिया बॉम्बे में। हाई टाइड देख के मन कर रहा है कि बीच में चला जाए एक बार। सो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। परसों बीच पे हाई टाइड अगर आप देखेंगे, ये देखिए वो सामने वाला आ रहा है, बड़ा हाई है। इसी चीज़ की बात कर रहा था मैं, घर तक आवाज़ आ रही है, सिखाने आ गया आपको, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वॉक भी होता है साथ। और हाँ, लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखाया है। सबसे पहले तो प्रेजेंट में रहना सिखा दिया है। अब बोलेंगे आप लोग, भाई प्रेजेंट में कैसे रहना सिखा दिया है? बड़ा सिंपल है, फ्यूचर के बारे में आप क्या सोचेंगे? अभी पिछले 4 महीने से जो हम लोग लॉकडाउन में है, क्या अनलॉक कह सकते हैं प्रेजेंटली, इसमें हम लोग क्या सोचें? इसमें हम लोग यही सोच, फ्यूचर का हम सोच प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या, अच्छा परसों ये कर लेंगे या 10 दिन बाद ये हो जाएगा या 1 महीने बाद अच्छा हो जाएगा, नहीं। तो लॉकडाउन ने बहुत अच्छी सीख दी है, या पेंडेमिक कह सकते बहुत अच्छी सीख दी है कि लोगों को प्रेजेंट में जीना चाहिए, प्रेजेंट का मज़ा लेना चाहिए और फ्यूचर के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। क्योंकि आज आप या मैं अगर सोचूं कि आगे करना है मतलब बहुत कुछ हो जाता है। करने का मतलब ये है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई, लाइबिलिटीज़ हो गई। लाइबिलिटीज़ की बात करें तो रेंट है, 50 खर्चे हैं, जहाँ तक मैनेज था लोगों ने किया। अब आगे क्योंकि एक बजट होता है हर किसी का, मिडिल क्लास फैमिली हो या लोअर क्लास फैमिली हो, हर किसी का एक बजट होता है, अपना अपना एक्सपेंडिचर होता है, हर आदमी का अपना अपना सेविंग होता है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 2-3 महीने तो वेरिएबल था, झेला जा सकता था, लेकिन अब आप सोच भी नहीं सकते फ्यूचर का, तो आप सोच नहीं सकते मतलब प्रेजेंट में जिए। प्रेजेंट में क्या करना है आज उसके ऊपर ही बात होगी। आप नज़रिया पॉजिटिव होता है लोगों का, नेगेटिव होता है, अब आप किस तरीके से अपने विज़न को लेते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन को लेते हैं लाइफ में, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आज पिछले कितने दिनों से मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर मैं सोच रहा था कि कैसे किया जाए, तो मुझे सवाल का जवाब मिला है, तो मैं सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। तो करते हैं। हाँ, मैं बताना भूल गया, मैंने बहुत अच्छा टाइम लैप्स लिया है, तो टाइम लैप्स का लुक उठाइए और तो घर की ओर वापसी करते हुए वसीम भाई मिल गए। इन्होंने लिया है केला और इनका फेवरेट क्या बोलते हैं उसको, पुदीना। हाँ, और नमक, और मैंने दूध। तो अभी बनाएंगे चाय वाय, कुछ नाश्ता करते हैं हेल्दी सा। क्या वसीम भाई, तो चिकन विकन कुछ फ्राई करने का प्रोग्राम है? हाँ, सर्दी खांसी सब ठीक है ना? गला खराश हो रहा है आपका, मोबाइल पे लगे हुए हैं। मेरा चैनल देखते हो कि नहीं? अरे एक मिनट रुक जाइए वसीम, एक मिनट सब्सक्राइब करा, यूट्यूब खोलिए, बंद है क्या फोन? खोल लीजिए। अरे नया फोन लिया आपने ना, तो नया सब्सक्राइबर बनाया है। सुबह एक सब्सक्राइबर भाग गया, 834 था, 833 हो गया, अभी फिर 834 हो गया होगा। चले वसीम भाई, थक गए लगता नीचे उतर के, आप जॉगिंग करते, मैं आया थक आपके।
सो माई ओपिनियन टूवर्ड्स बिजनेस इन दिस लॉकडाउन, सो बड़ा क्लियर फंडा है काफ़ी, यू नो लॉकडाउन में बस यही सोच ही रहा था कि आखिर कैसे होगा, क्योंकि यू नो चाहे किसी भी टाइप का बिजनेस हो, एक रियल इस्टेट हो या हमारे जैसे बिजनेस हो जहाँ सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो किसी का, या फिर एक पंडित ही या पादरी क्यों ना हो, या फिर एक मौलाना क्यों ना हो, हर किसी का, या एक भीख मांगने वाला रोड पे जो सिग्नल पे भीख मांगते हैं उनका भी आज के डेट में लॉकडाउन 3 महीने है, तो गाड़ियाँ नहीं चली, लोग नहीं आए, तो उनको कहाँ से पैसा मिलना है, तो हर किसी का बिजनेस इफेक्ट हुआ है। तो ये एक यू नो इम्पैक्ट जो है सब पे ओवरऑल लेवल है। तो अब सवाल ये आ जाता है कि आदमी नेगेटिव भी सोचता है और पॉजिटिव भी सोचता है। नेगेटिव भी बात करते हैं हम लोग, तो नेगेटिव से आपको या मुझे हमेशा दूर रहना होगा, एटलीस्ट यू नो जब तक कि वापस से बिजनेस रिज्यूम नहीं हो जाता, यही एक चारा है कि आप दूर रहें। अब दूर नेगेटिविटी कैसे आती है, बहुत सारे वजह है, मेरे केसेस में अलग वजह है, आपके केसेस में हो सकता है अलग, यू नो बिजनेस से अलग टाइप का नेगेटिविटी का अप्रोच होता होगा। हमारे मेरे बिजनेस में मुझे नेगेटिविटी कैसे अप्रोच है, जैसे मान लीजिए कुछ सपोर्टिंग भी है, कुछ लोग, अब नेगेटिविटी आएंगे तो किसी लोग से ही आने हैं, कोई ऐसे तो नहीं आ जाएगा, तब कुछ लोग सपोर्टिंग है, कुछ लोग अनसपोर्टिंग है। तो अगर अनसपोर्टिंग की बात करते, एग्जांपल देता हूँ, जैसे बैंक का ईएमआई चल रहा है, 500 ईएमआई चल रहा है, अब उस ईएमआई में मॉनिटरिंग कराया हुआ है हम लोगों ने, कर दिया बैंक में, कर दिया, हो गया, चैप्टर क्लोज है, सुकून है। बट बैंक वाले ने जिनको हायर करके रखा हुआ है ऑन बिहाफ ऑफ बैंक, जो कॉल करते हैं, सर पेमेंट, जब हमने मॉनिटरिंग कर दिया है तो उनका फ़ोन नहीं आना चाहिए। ठीक है, एक बार फ़ोन आ गया, आप फ़ोन करके बोलते हैं मैंने मॉनिटरिंग में अप्लाई कर दिया है, आप फ़ोन मत करो, बोले हाँ सर नहीं करेंगे, फिर सुबह 9 बजे फ़ोन, फिर 10 बजे फ़ोन, एवरी डे। तो वो निगेटिविटी है मेरे लाइफ में, तो अब पंचिंग हो रहा है, वो क्या हो रहा है, आप जिस स्पेस में हो, जिस एटमोसफेयर में हो, आप उससे तकूल हो, ठीक हो, आप सोच रहे हो, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बैंग हो जाता है। वैसे ही और भी है, कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग, जैसे मान लीजिए किसी को कुछ पेमेंट करना है, रेंट है, कुछ भी है, एक बार आपने बोल दिया भाई 10 जुलाई से पहले, मान लीजिए 10 जुलाई से पहले नहीं कर सकते हैं, अच्छे से समझा दिया 10 जुलाई से पहले नहीं हो सकता है, 3 दिन के बाद फोन आएगा, कुछ हुआ क्या, अरे यार, फिर आएगा उसके 1 दिन बाद, फिर 2 दिन बाद, तो आपने एक स्टैंड आपने ले लिया है, लेकिन वो जब फोन करना बैक टू बैक शुरू करता है तो फिर क्या है, निगेटिव। तो वैसे लोगों तो मैं फ़ोन अवॉइड करना शुरू कर दिया हूँ कि जब पैसे आएंगे पैसे देंगे, चैप्टर क्लोज हो जाएगा, उसका एक ही सलूशन है, तो फ़ोन उठा के आप बहस करें तो उस वे में यू हैव टू अवॉइड थिंग्स। तो वो निगेटिविटी है, वही एक निगेटिविटी है, तो उसको क्लोज करने का। अब आ जाइए पॉजिटिविटी में, तो अब ये सोचेंगे कि भाई इतना ह्यूज एक्सपेंडिचर है और बिजनेस का इतना खर्च हो रहा है और उसमें यू नो शुरुआत करना है, तो इसको पॉजिटिव कैसे लिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे डेप्थ हो चुके होंगे। तो बड़ा सिंपल है कि ऑब्वियस है, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट किया, आपने भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया होगा, तो मेरे बिजनेस में मैं आज जहाँ हूँ, जो बिजनेस हमारा चल रहा है, तो जिस टाइम मैंने ये बिजनेस शुरू किया था उस टाइम पे ऑफिस भी नहीं था, अकेले काम करता था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, फ़ोन नहीं था, लैंडलाइन नंबर नहीं था, वेबसाइट नहीं था, मेल आईडी ऑफिशियल नहीं था, कुछ नहीं था, नोवेयर। मैं वहाँ से यहाँ पहुँचा और प्रॉपर किया, गवर्नमेंट के सिस्टम में आके प्रॉपर किया, जो गवर्नमेंट नॉर्म्स कहते हैं कंपनी चलाने के लिए प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए, आप सर्विसेज में हैं तो, और एक किसी मिनिस्ट्री में आप, जिस पर्टिकुलर हमारा है तो वहाँ हमने एक मिनिस्ट्री से और एक लाइसेंस लिया हुआ है, तो अब प्रॉपर हर लाइसेंस है, GST पे है, फलना, तो ये भी हो रहा है। तो अब इसको कैसे ले गया, मैं कैसे ले रहा हूँ, जब मैं वहाँ जीरो था, कहाँ पे, जब मैंने शुरुआत किया सेम बिजनेस, और आज क्या है मेरे हाथ में, आज 3 महीने से ऑफिस बंद है, लेकिन मेरे हाथ में क्या है, प्रॉपर एस्टैब्लिशिंग नाम है, प्रॉपर काम है, आदमी तो वही है काम करने वाला, तो उसको कैश होना चाहिए। आप ये इंस्टीट्यूट ऑफ सोचें कि आगे कैसे काम होगा, निगेटिव में जाए कि यार अब तो धंधा 3 महीने से बंद है, खर्चा इतना हो गया, लेबडीज 50 लाख रुपए, 30 लाख रुपए हो गए, देना है, कैसे होगा, देना है वो हो जाएगा, लेकिन बिजनेस तो आप 110% शुरू कीजिए फिर से। उसके पीछे एक ही चीज़ पॉजिटिव है
कि जहाँ से मैंने शुरू किया है कि आप लोगों ने बहुत सारे ने जीरो से शुरू किया होगा बिजनेस, आज एक अगर 1 to 10 स्केल लेते हैं बिजनेस को, मान लीजिए मैं अपने बिजनेस को आज के डेट में 7 स्केल करता हूँ, 10 मतलब बहुत अच्छा, मैं 1 to 10 में अपने आप को 7 स्केल करता हूँ, हो सकता है आप अपने बिजनेस में 1 to 10 में 8 करते होंगे, 9 करते होंगे, तो जीरो, मैं जीरो से शुरू किया था, जीरो था एक टाइम पे, या नेगेटिव कह सकते हैं, ऑफिस भी नहीं था, नेगेटिव, नेगेटिव से मैं अपने आप को आज स्केल ले रहा हूँ 7, 1 to 10 में, तो आज मैं 7 पे खड़ा हूँ, तो हो सकता है मैं 7 से बहुत इनॉर्मस वे में चीज़ों को आगे एग्जीक्यूट करूँ, तो इसीलिए नेगेटिव सोच से कोई फ़ायदा है नहीं, नेगेटिविटी को दूर रखिए फॉर अ सर्टेन टाइम, क्योंकि वो किसी न किसी इंसान से ही आना है आपको, तो उसको अवॉइड कीजिए फिलहाल और अपना बिजनेस पर फोकस कीजिए, वापस से रिज्यूम कीजिए और जो बैक टू नॉर्मल डेज होता है वो पहले शुरू कीजिए, जो पुराने लाइबिलिटीज़ हैं फिर उसको रीथिंक कीजिए, कैसे देना है, क्लियर करना है चीज़ों को, अंडरस्टैंडिंग करके सामने वाले से, तो बस यही है, इसी तरीके से हमने अपना यू नो माइंडसेट किया हुआ है आज पॉजिटिव की ओर, और वेट कर रहे हैं प्रॉपर वे में जब रिज्यूम हो जाए फिर से, एंड देन धंधा शुरू करेंगे, तो इसी के साथ में आज के ब्लॉग क्लोज करते हैं, अगर ये स्पीच पसंद आया हुआ तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ में अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए, सो कल तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, शब खैर, बाय, और आज 90 डेज हो गए लॉकडाउन को, अच्छी खबर, 90 डेज हो गए लॉकडाउन को, 90 डेज लॉकडाउन को हो गए ये अच्छी खबर नहीं है, अच्छी खबर ये है कि 90 डेज मैंने लगातार शूट किए हैं, ब्लॉग बनाए हैं, ये अच्छी खबर है, बहुत कुछ सीखा है इस बीच दरमियान लॉकडाउन का भी मैंने भरपूर फ़ायदा उठाया है, तो अब आपके पास में भी अनलॉक का है मौका, अगर है तो उठाइए फ़ायदा और एक्सपीरियंस कीजिए लाइफ को, तो चलिए टेक केयर।